नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस को लेकर हम हर रोज आपको खबरें दिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट हम आपके सामने लाते रहते हैं। पूरा देश लॉकडाउन में है और देश में संकट मंडरा रहा है। सरकारें अपने स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुमरा में 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर मुमरा में काफी हंगामा मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त हो गई है। मुमरा के अलग अलग इलाकों को, जगहों को बंद कर दिया है, लेकिन सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और उपाय नहीं है। और ऐसे में बीमार पेशेंट के लिए कोई वाहन या एम्बुलेंस की सुविधाएं ना के बराबर है। इससे पहले जो खबर आपको दिखाई गई है कि पेशेंट का पूरा परिवार एम्बुलेंस का घंटों इंतजार कर रहा है और आखिर में एक टेम्पो वाले ने मदद की थी, लेकिन आज एक गरीब मजदूर को हॉस्पिटल अपनी पत्नी को लेकर जाना था और उसे हॉस्पिटल जाने तक का कोई वाहन नहीं मिला। वो खुद अपनी पत्नी को कंधों पर बैठाकर अमृत नगर से हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। देखिए कैसे अपनी पत्नी को पति ले जा रहा है। मजदूर की हालत किस तरह की हो गई है, मगर क्या करें, इस कोरोना वायरस से बचना है तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। लेकिन शासन प्रशासन से हम ये जरूर कहेंगे कि मुमरा जैसे शहर में 14 लाख की आबादी वाले शहर में इलाके में एम्बुलेंस की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहर में एम्बुलेंस नहीं है, मगर एम्बुलेंस की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, वरना लोगों के सामने इस तरह की दिक्कतें ज्यादा होगी। इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।